देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फरजाना। चुनावी सरगर्मियां तेज है और सभी पार्टियां नए नए वादे करने में लगी हुई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जनता इस बार किसको सरकार बनाना चाहती है। वैसे तो हमारी कवरेज जनता की राय जानने के लिए अलग अलग क्षेत्र में लगातार जारी है, लेकिन हमारे संवाददाता मंगल सिंह आज दिल्ली के शकूरपुर में मौजूद है और वो आपको बताएंगे कि जनता की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के शकूरपुर। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार, चौकीदार, जरा जोर से बोलो, अच्छा किया, पूरा किया। There are thousands, thousands, thousands of young people who are unemployed. I see them on every chowraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job? They say no. देश का प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। कोई वजह? वजह नहीं, देश का विकास। अच्छा काम किया इसलिए? हाँ जी। प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। क्या वजह है? सबका साथ सबका विकास। ऐसे कोई मुख्य दो कारण बताओ जिन्हें अच्छे काम किए। सबको शौचालय मिला, घर मिला, बिजली कनेक्शन लग गया फ्री में। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी उस लायक नहीं। वो साल के 72,000 देंगे जीतने के बाद? नहीं चाहिए, देंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी। क्या वजह है? तो गैस कनेक्शन मिला है, बिजली घर घर मिल गई, शौचालय मिला हुआ है, इस वजह से प्रदेश की भी जरूरत है इनकी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं वो तो इस लायक है ही नहीं। नरेंद्र मोदी। क्या वजह है? वजह उसका काम विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो मेरे लायक है ही नहीं। अच्छा, इस बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे? देश का प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहेंगे जो आतंकवाद दूर कर पाए, भ्रष्टाचार दूर कर पाए, देश के अंदर बेरोजगारी दूर कर पाए और देश के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको दूर कर दे, तो हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि आतंकवाद को हम समर्थन देंगे और जो लोग देश विरोधी नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उनके समर्थन करेंगे मैनिफेस्टो में, तो हम बिल्कुल उनको सेलेक्ट नहीं करते। तो इस बार आप फुल बहुमत से आप कुल बहुमत माननीय मोदी जी को ही चाहेंगे कि मोदी जी आएँ, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा किया है, भारत को जानने का वातावरण पैदा किया है और भारत के लोगों को जो लोग सपेरे या कुछ उल्टे सीधे शब्दों से व्यंग करते थे, आज भारत के अंदर जो लोग जाते हैं पासपोर्ट लेकर, मुझे लगता है कि मैं भी एक आध दो बार गया हूँ, तो आज इम्पोर्टेंस हमारे पासपोर्ट की बढ़ी है, तो हम तो शायद मुझे लगता है कि मोदी जी से बेटर कोई भी नहीं। इस बार देश का प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहेंगे? सर मैं इस बार देश का प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं उनको बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है जो उनका व्यक्तित्व है। कोई मुख्य कारण? सर मुख्य कारण यह है कि जो देश का जो इस टाइम हालत चल रही है उसको देख के मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी उनका जो प्लानिंग है वो देश के सूटेबल लगता है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी को। कोई मुख्य दो कारण? मुख्य कारण आप देख रहे हो कि आज देश के अंदर स्थिति क्या है, आज जो पाकिस्तान है वो हमारे देश पे किस तरीके से निगाह गड़ाए बैठा है, हमारे देश की जो दो जगह से सीमाएं पाकिस्तान और चीन से घिरी हुई है, अगर आज इस वक्त मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आएंगे तो ये आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत पर किसी भी प्रकार से अटैक कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी का आना बहुत आवश्यक है। ये भी कहा जा रहा है राहुल गांधी जीतने के बाद 72,000 देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि राहुल गांधी जी 72,000 रुपये देंगे, कहाँ से लेके आएंगे 72,000 रुपये? 72,000 रुपये क्या देश की अर्थव्यवस्था को खराब करके देंगे? ऐसा हो नहीं सकता, सिवाय ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। जो देश के लिए नोटबंदी हुआ उससे गरीब जनता को परेशानी हुई? देखो देश के अंदर अगर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी जनता को जरूर होगी, और उस फैसले के लिए देश स्वागत करता है मोदी जी का, और हम चाहते हैं कि ऐसे फैसले कड़े फैसले देश के अंदर लिए जाएं। ये तो जनता जनार्दन तो आप भी जनता में हैं। हाँ जी। आप किसको चुनना चाहेंगे? मोदी जी ने अच्छा काम किए हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? बस ऐसी राहुल गांधी।
तो आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे? बनाएंगे बिल्कुल। ये दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी को हम चाहते हैं। कोई वजह? उसका वजह बहुत अच्छा है, आतंकवादियों को सफाया किया, महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया, नोटबंदी से लोग परेशान हुए। कोई परेशानी हुई लेकिन आने वाले समय के लिए अच्छा काम कर गया। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ 17 साल में कुछ नहीं किया, जो दिया था वो भी ले लिया। साल के 72,000 देंगे वो जीतने के बाद? अब देंगे नहीं देंगे, अभी किसी किसानों को नहीं मिला, अभी तक किसी को नहीं दिया गया, कब देंगे वो? आज 70 साल नहीं दिया तब क्या देंगे? नरेंद्र मोदी। कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण बिकॉज उन्होंने आर्मी को इतनी ज़्यादा पावर दी है, बेसिकली जितना टेररिज्म। नोटबंदी भी तो एक कारण है। नोटबंदी एक कारण टेररिज्म घटाने के लिए था, दैट्स व्हाई। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल बिकॉज वो इतना ज़्यादा एबल नहीं है कि वो इस समय देश चला पाए, वो इतनी स्पीच भी नहीं दे पाते, एक जो बंदा बोल नहीं पाता वो क्या देश संभालेगा। तो क्या इस बार देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री? या प्रधानमंत्री मोदी भी, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा देशों से कनेक्शन बना लिए जो हमें अभी दिख नहीं रहा। देश का प्रधानमंत्री आप इस बार किसको बनाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी। कोई खास वजह? खास वजह है कि इतना भ्रष्टाचार है जो कि ख़त्म हुआ है और औरतों को काफ़ी सम्मान मिला है। महिलाओं के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जो कोई गिनती में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? गांधी को बात करने का तरीका नहीं है, मिली जुली पार्टी प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है? मुझे प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी को तरीका नहीं होता? हाँ नहीं, तरीका भी नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। उत्तराधिकारी का भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो नरेंद्र मोदी ने क्या खास किया है? क्या खास नहीं किया ये पूछिए, खास क्या क्या क्या? 3 तलाक सबसे बड़ी चीज़ है, महिलाओं का अपना। नोटबंदी मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी, गरीबों के लिए बहुत अच्छी, अमीरों के लिए, जो आज तक बैंक नहीं गया वो लाइनों में खड़ा रहा। इस बार आप प्रधानमंत्री, आप नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार, चौकीदार, जरा जोर से बोलो, अच्छा किया, पूरा किया। देयर आर thousands, thousands, thousands of young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job? They say no. देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।